मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। अरुण यादव खेमे के कांग्रेस विधायक नारायण पटेल के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी पारा चरम पर है। इस मामले को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता की भूखी सरकार है और उपचुनाव के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। एक लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार को सौदेबाजी कर उसने सत्ता की चाबी तो हथिया ली, लेकिन उपचुनाव परिणाम उस पर ताला लगा देंगे। यही आशंका उसे तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त करने के लिए मजबूर कर रही है। पैसे का तो एक बड़ा खेल हो ही रहा है, मतलब आपको हॉर्स ट्रेडिंग हो ही रही है प्रदेश में, हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पे हो रही है, उसी के चलते ये सब घटनाक्रम प्रदेश में हो रहा है। देखिए, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि वो कल क्या करने वाला है ना। हमने भरोसा किया, हमने पार्टी ने भरोसा किया, पार्टी के भरोसे पर आगे उनको हमने मदद की, सहयोग किया और उनको चुनाव लड़वाया, उसके बाद ये घटनाक्रम जो हुई है। ये जो कुछ हो रहा है ये देश में पहली बार देखने को, मैंने पहले भी रिपीट किया आपके सामने कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है इतने बड़े पैमाने पर। केवल मध्य प्रदेश नहीं, अनेकों स्टेट का उदाहरण आपके पास है, बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।